तो हे नमस्कार दोस्तों, कैसी है पब्लिक। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए महाराज बैंक शेयर के ऊपर। महाराज बैंक शेयर में हम लोग को डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। डिविडेंड मिलने की जो एक्स डेट होने वाली वो भी बताता हूँ मैं इसी वीडियो में। देखो डिविडेंड की जो एक्स डेट है वो हम लोग को कब मिल जाएगा। डिविडेंड एक्स डेट है 23rd of May। ओके, अमाउंट कितना मिल रहा है, 1.30 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है शेयर में। तो जो लोगों के पास होल्डिंग है उन लोग को पर शेयर पे मतलब एक शेयर पे 1.30 रुपए मिलने वाले। ओके, सो अब बात करने वाले हैं इस शेयर में हम लोग को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या लेवल्स और टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। देखो फर्स्ट चीज तो ये चीज माइंड में रखिए, डिविडेंड मिलने वाला है। तो जिस दिन डिविडेंड मिलेगा उस दिन स्टॉक में हम लोग को एक सेलिंग प्रेशर देखने को, मतलब सेलिंग प्रेशर क्या, स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिलता ही मिलता है, ज्यादातर शेयर को में मिलता है। सो चांसेस आर वेरी हाई कि इस शेयर में मिलने देखने को हम लोग को मिले। बट अभी ये स्टॉक को अगर आप लोग नजर रखें प्राइस एक्शन के हिसाब से ये रेंज बाउंड हो रखा है स्टॉक, और थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ही तगड़े लेवल का रेंज बाउंड हो रखा है। ओके, सो अगर इसमें एक सेलिंग प्रेशर आता है हम लोग को जिस दिन डिविडेंड मिलेगा उस दिन इसमें एक डाउनफॉल आता है और ये अराउंड 28 रुपीज पास अगर ट्रेड करने लगता है तो जिनको फ्रेश एंट्री करनी है लॉन्ग टर्म के लिए वो लोग अपनी फ्रेश एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडर्स भी अगर ये 28 रुपीज पास उनको मिलता है तो ये लोग यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं। बिकॉज ये क्या कहलाएगा, ये इसका एक रिट्रेसमेंट एरिया कहलाएगा। यहाँ रिट्रेसमेंट करेगा, रिटेस्ट करेगा मार्केट इस लेवल को, और इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद डिविडेंड के बाद जैसे रिकवरी अपनी स्टार्ट करेगा वापस स्टॉक धीरे धीरे अपने इसी लेवल के पास 30 रुपीज तक पास पहुंचने की कोशिश करेगा। ओके, यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं अपनी, और इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम लोग बाकी शेयर में भी पैसा बना सकते हैं जिसमें डिविडेंड आने वाला होता है। बट आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाना पड़ेगा उसका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया कौन सा है। जैसे इसका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया क्या बनता हुआ आ रहा है, 27 रुपीज का। तो इसी वजह से मैंने कहा यहाँ पे अगर आप लोग को मिलता है 28 रुपीज पास बाइंग कर सकते हैं। ऐसी और स्टॉक्स को बारे में जानने से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन और ऐसी वो एक स्ट्रेटजीज जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और वीडियो मिलता रहे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।